बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बहन भाई? उम्मीद है कि सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अच्छा जी, आज दी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अपनी बेटी वास्ते कोट देख रही हैं, देखती हूँ किड़ा पसंद आता वा। यह भी प्यारा तो लग रहा वैसे। है थोड़ा बड़ा साइज के पूरा आएगा? नहीं है, पूरा बड़ा पूरा जाएगा वैसे, फिर थोड़े लंबे होते हैं ना बच्ची का ना। अच्छा 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 जी, एक का कलर पिंक का, लेकिन ना मोबाइल से सही नहीं आ रहा लाइटा की वजह तो। ये भी प्यारा लग रहा वा, लेकिन ये है कि बटन ना तो जिप जल्दी खराब हो जाती। तो भाई अगर ये भी लाना हो वे? अच्छा जी, यह दो चादर मैनू बहुत पसंद आ, तो पुछदी भाई ने किन्ने दियाँ, अगर मुनासिब हुई तो ले लेंगे, जे ना मुनासिब हुई फिर एन देंगे। लेकिन मैनू ना पसंद बहुत है वाला कलर ना, चार पाइया तो इस तरह दाइया अच्छी। हाँ जी, यह खेस भी बहुत प्यारे आ, तो अच्छा जी मैं बाजार गई थी अम्मी जी के कपड़े सिलाई करने उन्होंने चीज़ा वगैरह लैन, तो फिर उत्थे मैं एक दो तीन चीज़ा होर भी पसंद आई, लेकिन मैं लिया तो नहीं महंगा सी, क्योंकि जोड़ा गाँव से न्यू घर बन रहा उ फिर पता भी हर चीज़ की जरूरत होंगी, न्यू चारपाइया चादर खेस बिस्तरे हर चीज़ की जरूरत होनी है। तो मैं कहनी हूँ न्यू घर न्यू मम्मा जी वो दवाई उठाने जा रहा है। यार गिर जाओगे बेटा, ये लो इधर रख दी मैंने, ये लो शीशी उठा ले इधर से, पीछे आ जाए। हाँ जी, अच्छा जी थोड़े ना साढ़े बेड इस तरह का वा कि आ जड़े ने साइडा मतलब नाल ही जुड़िया वा, क्योंकि जेडे इस तरह के नॉर्मल बेड होंगे आ, जो मतलब मेरी शादी हुई थी मैंने तो इन्होंने चीज़ों का ना खुद पता सी, ना ही मेरे अबू जी ने कोई शादी की सी, उन्होंने भी नहीं इन्ना पता है। तो यह जो साइड टेबल अलग हो, बेशक बंदा साइड से करके दीवार ना बैड लगा लेता वा, फिर बच्चे का गिरने का खतरा नहीं होता। हूँ इतने ज़ियान दो तीन दफा गिरिया, ज़ियान काफ़ी चोट लगी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो न्यू कर देगा तो फिर बेड भी न्यू लेना, आ जरा खत्म कर देना वा, बिल्कुल नहीं रखने वाला है। बच्चे काफ़ी दफा मेरे अद्धे मार भी काफ़ी चोटा लगियां ज़ियान भी इस तरह के बैड तो। अच्छा जी, गल्ला काफ़ी सारिया हो गई, मैं दिखाने लगी हूँ सूट, टू पीस सूट आ, मैंने फिर उत्थे पसंद आया कि फिर मैं लैके आई हाँ, क्योंकि सीजन दा हुण मतलब एंड आ, तो थोड़ियाँ सेलां लगिया हुई वा, सस्ते मतलब मिल जाते हैं, तो फिर मैं क्या चलो अदन बेटा नज़दीक तो आके दिखाओ, तुम देख उधर रहे हो सैम, इधर आ जाओ इधर। किसकी है? अगर आपने बनाना हुआ तो, अगर आपको पसंद हुआ तो आपको सिलाई कर दूंगी, अगर आपने ना सिलाई करना हो तो मैं अपना खुद का कर लूंगी। मुझे पसंद है। पसंद है? ये देखें इसका पोस्टर दिखाएं, ये है बनेंजा का, बनेंजा का ब्रांड का है। उन्होंने ना तो कोई और है? नहीं, उन्होंने ये सादा कमीज बनाई हुई और प्रिंट सलवार, लेकिन हमने प्रिंट ही कमीज बनाना है, वो ज्यादा प्यारा लगेगा। हाँ जी, पहले ये 2330 रुपए का था, लेकिन अब मैंने 1800 का लिया है। ये देखें ज़ियार अब खुद खड़ा होने की कोशिश भी करता है, फिर डर के बैठ जाता है। अच्छा आदम बेटी, आपको प्यारा लगा? ये ऑल ओवर ही प्रिंट है, लेकिन मुझे कलर बहुत प्यारा लगा था, फिर मैंने ले लिया। उधर तो लोग इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे थे, मतलब दो तीन आपियाँ बैठी हुई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारे उन्होंने कपड़े खरीदे, वो 4000 4500 का सूट थे, लेकिन वो ना बहुत प्यारा, कपड़ा भी बहुत प्यारा था। मेरे पास छोटा सा क्लिप है वीडियो में, मैं वो दिखाऊंगी वीडियो में, तो मेरा भी दिल कर रहा था उस तरह का सूट लेने का, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो ये अगर अदन को अच्छा लगा तो अदन से। मम्मा जी ये पॉलिश मारी है, पता नहीं केमिकल अंदर हो जाए, वो किस कर रहा है? नहीं नहीं करे। अच्छा जी, अदन इधर पॉलिश मारी हुई, कह रही है कि ज़ियान ऊपर हाथ लगा के डालता है। तो ये इसका शलवार पीस है इसका, ये देखें इस तरह का कंट्रास्ट होगा, तो मेहरून काफी दुपट्टे मेरे पास पड़े हैं, कोई भी मतलब साथ ले लेता है। ये मैंने सिलाई करवाना।
मैं तो कह रही हूँ कपड़ा जाया हो जाएगा। ज्यान गिर ना जाना। ज्यान इधर आ जाओ बेटा, ये कपड़ा ना जाया हो जाए फिर, क्योंकि महंगा सूट है। नहीं, 1800 रुपए का, काफी महंगा। खड़ा हो गया। ये क्या कर रही हो आज आप? अच्छा भैया बजान, इंशाल्लाह जल्द जल्द चलने लग जाएगा मेरा प्यारा क्यूट सा बेबी। हाँ जी अच्छा जी, मेरी बेटी है ना जरूर क्या प्रिंटर बड़ा कलर से यार है। हाँ जी, किस तरह का लगे सूट? मैंने तो बहुत पसंद आया, जब मैं मिल गया मैं किस तरह के ना पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो हाँ जी, सीजन के एंड अक्सर ही मैं जो भी गर्मियां हो या सर्दियां हो फिर उस हिसाब ना मैं चीजा मतलब मुनासिब मिल जाती हैं खरीद के रख लैनी हूँ। तो काफी मैनू ना तकरीबन 10-15 हज़ार की चीजा हो पसंद सी, लेकिन मैं लिया नहीं, मैं वैसे आ गई। तो इंशाल्लाह गुंजाइश बनी तो जरूर लैके आवगी। जो करता ना करने दे शरारत मेरी बात भूल गई मैं कहां थी। ऐसे ही है ना जी। हां जी, तो अदन के लिए मुझे स्टॉलर बहुत सारा ज्ञान अभी छोड़ लगी सारा। एक तो ज्ञान वीडियो भी नहीं बनाने देता। अच्छा जी, एक उधर ना मुझे अदर बेटी के लिए ना स्टॉलर बहुत पसंद था फिर मैंने लिए ही नहीं। मम्मा जी आपको पसंद है तो आप ले आती बेटा। मैंने कहा वो तकरीबन 1000 रुपए का स्टॉलर था, मैंने कहा इतना महंगा क्या करना है। ओए ओए ज्ञान, ऐसे नहीं करते, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चले ठीक है बेटा, इसकी मैं तह लगा लूं, इसको छापड़ में डाल लूं। और अदन को तो ये सूट बहुत पसंद आया है, कह रही है कि ये मैंने सिलाई करना है, मैं कह रही हूँ ये मैंने करना है। अब देखते हैं हम दोनों में से कौन सिलाई करता है। जी मम्मा, बहरहाल ज्यान ना गिर जाए। बस यही तो हमारी तवज्जो ज्यादा ज्यान में होती है, हम इसलिए कोई अच्छी सी वीडियो नहीं बना सकते। ज्यान तंग भी बहुत करता है, अब ना सैंडल पहन के छोटे छोटे ना सारे दिन अदर मार के पीछे भागता फिरे। तुम इधर आओ, इसने अदर की टोपी पहनी है। ये आप जब छोटी थी ना आपकी थी ये वाली टोपी, आपकी नानो लेकर आई थी। बिल्कुल अदर लाग रही है ये। अदर भी छोटी थी जब, ये ऐसी थी ज्यान जैसी, पतली स्मार्ट सी सूखी सी। ज्यान शरारते नहीं करते, इधर आ जाओ इधर। अदर ना देखिए इधर रोंदा तरीका। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है सोना? सोना क्या कर रही है? कर नहीं रही, कर रहा है सोना। परी पीछे जाओ। अच्छा जी, मैं जी वीडियो दे एक तो क्लिप दिखाया है ना, मतलब वो खीस वगैरह इस तरह की चीज़ा, मैंने पसंद बहुत सी लेकिन मैं लेके नहीं आई। मैं क्या अपनी भैनों ने शेयर कर दें प्यारे आ, तो फिर मैं खरीद के इंशाल्लाह लैके आऊँगी। तो मैंने वैसे भी जरूरत आ इस तरह के ना, थोड़े जे कलर वाले खेसा की बच्चों इस्तेमाल करने वास्ते सही रहेंगे आ, जोड़े है ना वाइट कलर के, वो मेरे जी जिन्हें भी सी सारे वाइट ही है, मतलब वो फिर बच्चे गंदे बहुत ज़्यादा करते हैं, धोने भी मुश्किल है। वह तो बंदा कोई मेहमान वगैरह आए तो बंदा दिता वा, बाकी घर च इस्तेमाल वास्ते इस तरह के कलर वाले अच्छे लगते हैं। तो मैं कह सी चलो 4 खेस तो 2 चादर वा वो लेंदी हाँ, तो वह फिर मैं लैके नहीं आई। मैं क्या आके अम्मी जी ने मशवरा कर ला कि भाई इन्ने इन्ने दे कह रहे हैं, तो भी इस तरह ही मैं तो कभी खरीदे नहीं। तो अम्मी जी ने आके फिर मैं कॉल की सी, अम्मी जी ने कहा कि नहीं बेटा वो मुनासिब मुख्तलिफ रेट आ, जिस तरह की चीज़ उस तरह का मतलब है वा। तो मैं क्या भी अम्मी 3500 का भी जो मतलब 4 खेस कह रहे थे, 6500 के भी 4 खेस कह रहे थे। अम्मी जी कहते भी मतलब कुछ मुनासिब करे तो ठीक है, अगर तेन पसंद आ तो तू 4 खेस ले आई। मैं कहा चलो ठीक है, मैं अम्मी जी थानू फिर मतलब दसूँगी पता करके, इस दिन उन्होंने पापा घर रहे फिर इंशाला उन्होंने भी पूछागी जो कहे तो फिर लैके आवागी। तो मैं ना वो खेस बहुत पसंद आ, मतलब ना 4 खेस तो 2 चादर। तो इंशाला फिर लैके आवागी, तो चलो
अपनी वीडियो का एंड इत्थे करते हैं। ऐसी साड़ी अज्ज दी वीडियो अगर पसंद आए लाइक तो शेयर जरूर करो। अल्लाह हाफिज़।